खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। एक बेहद ईमानदार, बेहद संवेदनशील नेता सुषमा स्वराज हमारे बीच नहीं रही। जिन लोगों ने अभी अभी अपने टीवी सेट ऑन किए हैं, उनके लिए बताना बहुत जरूरी है कि कल शाम 7:30 बजे 7:23 मिनट पर सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री को बधाई दी थी 370 की धारा खत्म करने को लेकर, उनका अभिनंदन किया था। उस ट्वीट में वो लिखती हैं अपने आखिरी शब्दों में कि जैसे कि मैं आज के दिन का इंतजार कर रही थी। 7:23 मिनट पर ट्वीट होता है, शाम को 9 बजे उसके करीब 1.5 घंटे के बाद उनको सीने में तकलीफ होती है, उनकी तबीयत नासाज होनी शुरू होती है। 9:30 बजे के आसपास उनको एम्स ले जाया जाता है, हिंदुस्तान के सबसे अच्छे अस्पताल में, जहां पर पता लगता है कि उनको सीवियर हार्ट अटैक हुआ है। अगले 1 से 1.5 घंटे तक उनको CPR देने की कोशिश की जाती है ताकि उनकी तबीयत रिवाइव हो सके, लेकिन डॉक्टर्स असफल हो जाते हैं। भगवान को जैसे कुछ और ही मंजूर था। 10:50 मिनट पर उन्होंने अंतिम सांस ली और आज सुषमा स्वराज हमारे बीच नहीं है। उनके पति आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, डॉक्टर स्वराज कौशल, जो कि बहुत मशहूर वकील हैं, गवर्नर भी रहे, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, दोनों आप कह सकते हैं कि जवानी के साथी रहे। सुषमा स्वराज और स्वराज कौशल अधिवक्ता रहते रहते दोनों की दोस्ती होती है, फिर शादी होती है। एक सुपुत्री है बांसुरी, जो सामने तस्वीरों में आपको दिखाई दे रही है। सुषमा स्वराज की एक ही औलाद है, एक ही संतान है, बांसुरी नाम है उनका, सामने तस्वीरों में आपको दिखाई दे रही है। बीते करीब 3 साल से सुषमा स्वराज की तबीयत थोड़ी नासाज रह रही थी, हालांकि वो सार्वजनिक जीवन में थी, उनकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई थी और उसके बाद उन्होंने 2019 का चुनाव भी इसीलिए नहीं लड़ा था, खुद ही अपने आप को वॉलेंटियरली, आप कह सकते हैं कि राजनीति से स्वैच्छिक तौर पर सार्वजनिक जीवन से संन्यास लिया। सुषमा स्वराज के 67 साल के जीवन की कुछ कहानियां हम पिरो कर लाए हैं जो आपको जरूर देखनी चाहिए। आप देखिए इन कहानियों को, ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। सुषमा स्वराज का 67 साल की उम्र में दिल्ली में निधन हो गया। वो काफी समय से बीमार चल रही थी। उन्होंने 2019 का चुनाव भी नहीं लड़ा था। सुषमा स्वराज ने अपने निधन से 3 घंटे पहले ही जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर आखिरी ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कि प्रधानमंत्री जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, मैं अपने जीवन में इस दिन को देखने की प्रतीक्षा कर रही थी। सुषमा स्वराज ने साल 2016 में किडनी ट्रांसप्लांट कराया था, उसके बाद से ही उनकी तबीयत में लगातार गिरावट आती रही। 2019 में बीमारी की वजह से ही मोदी सरकार के दोबारा सत्ता में आने पर उन्होंने मंत्री पद लेने से मना कर दिया था। उन्होंने मध्य प्रदेश के विदिशा से दोबारा चुनाव भी नहीं लड़ा था। सुषमा स्वराज का जन्म 14 फरवरी 1953 को अम्बाला कैंट में हुआ। उनके पिता का नाम हरदेव शर्मा और मां का नाम लक्ष्मी देवी था। सुषमा के पिता आरएसएस के प्रमुख सदस्य थे। सुषमा स्वराज ने अम्बाला के सनातन धर्म कॉलेज से पढ़ाई की, पंजाब यूनिवर्सिटी से वकालत की पढ़ाई की, छात्र दिनों में एनसीसी से भी जुड़ी थी। सुषमा स्वराज ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत संघ परिवार के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की थी। 1970 के दशक में वो एबीवीपी से जुड़ी थी। स्वराज कौशल और सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी भी जानी मानी वकील हैं। बांसुरी ने ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई की है। सुषमा स्वराज जाने माने समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण से काफी प्रेरित थी। सुषमा ने इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सुषमा स्वराज ने साल 1973 में सुप्रीम कोर्ट में वकालत शुरू की। यही उनकी मुलाकात स्वराज कौशल से हुई। दोनों समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस की लीगल टीम में थे। इमरजेंसी के दौरान 13 जुलाई 1975 को सुषमा स्वराज ने स्वराज कौशल से शादी की। स्वराज कौशल जाने माने वकील हैं। कौशल सांसद और मिजोरम के राज्यपाल भी रहे हैं। इमरजेंसी के बाद सुषमा स्वराज ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा। 1977 में जनता पार्टी में शामिल हुई, बाद में वाजपेयी और आडवाणी के साथ भारतीय जनता पार्टी बनाई। 1977 में सुषमा स्वराज महज 25 साल की उम्र में हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री बनी। सबसे कम उम्र के मंत्री बनने का रिकॉर्ड सुषमा के नाम है। सुषमा स्वराज 1987 से 1990 तक हरियाणा की देवीलाल सरकार में शिक्षा मंत्री रही। तेज तर्रार सुषमा ने अपने काम से पार्टी के दिग्गज नेताओं को प्रभावित किया।
साल 1990 में सुषमा स्वराज ने राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर वो राज्यसभा पहुंची। जब 1992 में बाबरी मस्जिद ध्वंस हुआ तो उस समय सुषमा बीजेपी की प्रवक्ता थी। वो जिस तरह मीडिया से बात करती थी उससे बीजेपी के सीनियर लीडर काफी कायल हो गए थे। साल 1996 में सुषमा स्वराज दक्षिणी दिल्ली से लोकसभा चुनाव जीतकर पहली बार लोकसभा पहुंची। अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन चली सरकार में उन्हें सूचना और प्रसारण मंत्री बनाया गया। सुषमा भारत में किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल की पहली महिला प्रवक्ता, बीजेपी की पहली महिला मुख्यमंत्री, पहली केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, महासचिव, प्रवक्ता और नेता प्रतिपक्ष रही। सुषमा स्वराज बतौर मंत्री 2002 में पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के साथ पाकिस्तान गई थी। उनका ये इंटरव्यू काफी चर्चा में रहा था। उन्होंने तब भी पाकिस्तान से आतंकवाद खत्म करने को कहा था। 1998 में सुषमा के नेतृत्व में दिल्ली में बीजेपी चुनाव हार गई थी। इसके बाद ही दिल्ली में कांग्रेस की शीला दीक्षित सत्ता में आई थी। सुषमा स्वराज ने सोनिया के खिलाफ 1999 में कर्नाटक के बेल्लारी से लोकसभा चुनाव लड़ा था। लड़ाई आदर्श नारी बनाम विदेशी महिला के मुद्दे पर थी। चुनाव में सुषमा स्वराज को हार मिली थी। साल 2004 के लोकसभा चुनावों के बाद सुषमा स्वराज ने कहा था, अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं, तो वो अपने बाल कटा लेंगी और भिक्षु का जीवन बिताएंगी। 12 अक्टूबर 1998 को सुषमा स्वराज दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी। उन्हें साहब सिंह वर्मा की जगह मुख्यमंत्री बनाया गया था। बतौर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज सोशल मीडिया पर आम लोगों से जुड़ी। विदेश मंत्रालय में ट्विटर के जरिए संवाद का प्रचलन शुरू किया। उनके 1,31,00,000 फॉलोअर्स थे। विदेश मंत्री के तौर पर सुषमा स्वराज ने अभूतपूर्व काम किया। 2014 से 2018 के दौरान 90,000 भारतीयों को बचाया। विदेश मंत्री रहते हुए स्वराज कई बार रात 2 और 4 बजे भी लोगों को ट्वीट पर जवाब देती थी। इससे आम आदमी के बीच उनकी काफी लोकप्रियता बढ़ी। जब इराक में 168 भारतीय फंस गए थे और उन्होंने एक वीडियो ट्विटर पर पोस्ट करते हुए सुषमा स्वराज को टैग किया था। मदद की गुहार सुनते ही स्वराज ने संज्ञान लिया और पूरे 168 लोगों के लिए बचाव कार्य करवाया। जब एक भारतीय प्रांशु सिंघल ने दोहा एयरपोर्ट पर फंसे अपने भाई अंकित के लिए गुहार लगाई थी, क्योंकि प्रांशु का भाई अंकित के साथ 2 दिन से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था, तब स्वराज ने संज्ञान लेते हुए दोहा से अंकित की वापसी करवाई। अग्रता नाम के ट्विटर हैंडल वाली एक महिला ने गुहार लगाते हुए कहा था कि बर्लिन में उनका पासपोर्ट और पैसे खो गए थे और वो दूतावास से मदद चाहती थी। तब स्वराज ने इस महिला को मदद मुहैया करवाते हुए दूतावास को उनसे संपर्क करने को कहा था। जब यमन की एक महिला ने अपने 8 महीने के बच्चे का फोटो ट्वीट करते हुए राहत कार्य फ्लाइट से भारत आने की गुहार लगाई थी, तब स्वराज ने सबा नाम की इस महिला की मदद करवाई थी। मानव तस्करी की शिकार हुई लड़की को स्वराज ने यूएई में छुड़वाया था, जब उस लड़की के भाई देव तांबोली ने ट्विटर पर मदद मांगी थी। यूएई के दूतावास के जरिए पुलिस की मदद से लड़की को छुड़वाया था। जब एक डच महिला ने ट्विटर के जरिए स्वराज को पत्र लिखकर मदद मांगी थी कि उसकी बहन ऋषिकेश में पर्यटन के दौरान मिसिंग थी, तब स्वराज ने गुमशुदा डच युवती सैबीन हार्मेस को खोजने की कवायद करवाई थी। गोपाल केसरी नाम के एक व्यक्ति ने सुषमा स्वराज को ट्वीट किया था कि दक्षिण अफ्रीका में एक भारतीय मूल की महिला को बंधक बनाकर रखा गया था, तब स्वराज ने दक्षिण अफ्रीका स्थित भारतीय हाई कमीशन की मदद से उस महिला को सुरक्षित निकलवाने का रास्ता बनाया था। जब कैप्टन तुषार महाजन के निधन के कारण उनके भाई निखिल महाजन को तत्काल भारत पहुंचना था और तब निखिल वॉशिंगटन में लंबी प्रक्रिया में उलझे थे, तब स्वराज ने निखिल को भाई के अंतिम संस्कार में जल्द से जल्द पहुंचने के लिए पूरी मदद करवाई थी। जब मीरा शर्मा ने ट्वीट करते हुए समस्या बताई कि बाली में रहने के दौरान उनकी माँ का एक्सीडेंट हो गया था और वहाँ के अस्पताल में भारत के इंश्योरेंस को नकार दिया था, तब स्वराज ने मीरा की माँ के इलाज में पूरी मदद मुहैया कराई थी। युद्धग्रस्त यमन से स्वराज ने ऑपरेशन राहत को अंजाम दिया और बहुत कम समय में एक बहुत बड़ा बचाव अभियान चलाते हुए हवाई और जल मार्गों से 1947 विदेशियों और 4,741 भारतीयों को बचाया था।
सुषमा स्वराज की हिंदी भाषा पर जबरदस्त पकड़ थी। उनके धारा प्रवाह भाषण का पक्ष से लेकर विपक्ष हर कोई कायल था। विपक्ष में रहते हुए सुषमा स्वराज ने मार्च 2013 में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और सुषमा स्वराज के बीच शेरो शायरी में बहस काफी यादगार रही। 2015 में भूमि अधिग्रहण बिल पर संसद में चर्चा के दौरान कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा के 2 फीट वाले आलू के बयान पर सुषमा का जवाब काफी चर्चित हुआ था। वो इतने उत्तेजित हो गए कि 2 फुट का आलू उगा गए। अगस्त 2015 में सुषमा स्वराज ने ललित मोदी विवाद के बाद पलटवार करते हुए संसद में राहुल गांधी के आरोपों पर जवाब देते हुए क्वात्रोची को लेकर कांग्रेस को जबरदस्त तरीके से घेरा था। 1997 में पीएम आई के गुजराल के विश्वास मत प्रस्ताव के दौरान सुषमा ने रामविलास पासवान की जमकर खिंचाई की थी, क्योंकि पासवान गुजराल सरकार में मंत्री बन गए थे, जबकि 10 दिन पहले तक देवगौड़ा सरकार में भी शामिल थे। 2003 में जब वाजपेयी सरकार के खिलाफ सोनिया गांधी की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तब सुषमा ने शानदार भाषण दिया था। उनका ये भाषण काफी याद किया जाता है। विधायिका में महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाने को लेकर सुषमा काफी सक्रिय रहीं। दूसरी पार्टियों के महिला नेताओं के साथ मिलकर मुद्दे पर काफी संघर्ष किया। 2015 में संयुक्त राष्ट्र के 70वें अधिवेशन पर सुषमा स्वराज के भाषण की पूरी दुनिया में चर्चा हुई थी। उन्होंने खुलेआम पाकिस्तान को आतंकवाद की फैक्ट्री कहकर संबोधित किया था। इराक में 39 भारतीयों के मारे जाने पर संसद में दिया सुषमा स्वराज का भावनात्मक बयान काफी चर्चा में रहा था। साल 2017 में संसद में सुषमा ने डोकलाम विवाद पर मोदी सरकार के विदेश नीति को समझाते हुए जोर दिया था कि युद्ध किसी विवाद का हल नहीं है। आमतौर पर विवादों से दूर रहने वाली सुषमा स्वराज कभी कभी विवादों में भी फंसी। उन पर आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी को मदद पहुंचाने का आरोप लगा। सुषमा स्वराज पर आरोप लगा कि उन्होंने आईपीएल घोटाले के आरोपी ललित मोदी को ब्रिटेन का वीजा मिलने में मदद की। सुषमा ने सफाई में कहा था कि ललित मोदी की मानवता के आधार पर मदद की गई थी। सिद्धांतों की राजनीति करने वाली सुषमा स्वराज ने विदेश मंत्री के पद से हटते ही दिल्ली के सफदरजंग लेन स्थित अपने सरकारी बंगले को तुरंत खाली कर दिया था। सुषमा स्वराज हर साल झुग्गी बस्तियों में अपना जन्मदिन मनाती थी। तीज और करवा चौथ जैसे त्योहार वो महिलाओं के साथ मिलकर मनाती थी। सुषमा का सेंस ऑफ ह्यूमर गजब का था। अक्सर गंभीर माहौल में वो चुटकी लेकर उसे हल्का कर देती थी। उनके पास शेरो शायरी का भी खजाना था। सुषमा अपने सहयोगियों के साथ भी बहुत आत्मीयता से पेश आती थी। शिवहर से बीजेपी सांसद रमा देवी उनकी याद करके रो पड़ती हैं। साल 1990 में राज्यसभा सांसद बनने के बाद सुषमा स्वराज दिल्ली की राजनीति में काफी सक्रिय रही। केंद्र में कांग्रेस की सरकार के खिलाफ कई बार सड़क पर उतरी थी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ सुषमा के रिश्ते बेहद अच्छे थे। चौहान के सीएम रहते सुषमा साल 2009 और 2014 में विदिशा से जीतकर लोकसभा पहुंची। पाकिस्तान में फंसी मूक बधिर लड़की गीता को वापस लाने में सुषमा स्वराज ने काफी अहम रोल निभाया। गीता की वापसी के बाद उससे मुलाकात भी की थी।